हाय एवरीवन, तो अभी हम लोग आए इन्फिनिटो में 2022 में और ये चल रहा है बास्केटबॉल का मैच। ये सारे मेरे दोस्त हैं, मैं भी खेलना चाहता हूँ। और सामने चल रहा है वॉलीबॉल, मैं जूम करके बताता हूँ। ये वॉलीबॉल है, ये हमारा बास्केटबॉल है और टग ऑफ वॉर वगैरह वहाँ पर होगा, कबड्डी वगैरह उस साइड है उसका नहीं। और ये हमारा हॉस्टल है, यहाँ पे खड़े हुए हमारे सीनियर और साथ वाले लोग। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट किया तुमने? बैडमिंटन में किया। चलो बढ़िया, देखते हैं कौन जीतता है। हाय, तो तू तो ऑर्गेनाइज कर रही है ना, तो तेरे को तो बहुत लोड होगा। मतलब आज की लोड नहीं, मजा आ रहा है, इतने सारे लोग हैं और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन। भाई कैसा लग रहा है पहला मैच के बाद? हाँ, इट्स रियली फन। अभी कौन सा खेल रहा है, स्कोर कितना है? स्कोर 14-0। 14-0? 14-0। वी आर प्लेइंग इज 21 मैच। हाँ, हमने 14 किया, उन्होंने 0 किया। काफी तगड़ा कंपटीशन है या सबसे बढ़िया इराई खेलता है, मुझे मतलब देखते ही मजा आ गया। हाय एवरीवन, तो अभी हम हैं इन्फिनिटो 2022 वीआरएमसी का स्पोर्ट्स फेस्ट। फर्स्ट टाइम वीआरएमसी में ये हो रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, जितना एक्सपेक्टेड नहीं किया था मैंने। अब थिंकिंग किया जैसे कुछ होगा, क्या करेंगे जाके, एंड फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि नहीं यार आके तो देख, मज़ा आ रहा है। एंड मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। और पहले दिन मैं गया, उतना मज़ा आया, दूसरे दिन भी आया और आज थर्ड डे एंड फाइनल डे। मुझे बहुत सारे मेरे जूनियर्स मिले, सीनियर्स मिले और बहुत सारे लोगों से बात हुई जिनसे कभी बात नहीं हुई, जिनको बस ऐसे देखा है, और बहुत मज़ा आया एक दूसरे से इंटरेक्ट करके। तो तेरा नाम क्या है? सत्यम। तो सत्यम से मैं मिला था जब अपन औरा में गए थे। जी सर। और सत्यम ने मेरे को बताया उसने मेरी किताब भी यूज़ करी थी, लाइक बायो वगैरह। जी सर। है ना, तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को ये जान के। और तुम लोग में से लाइक 2021 बैच के जो बच्चे आए हैं मोस्टली मेरे को जानते हैं और कईयों ने मेरा जो मटेरियल मैं देता हूँ वो यूज़ किया है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं 2019 का था, 2 साल में ये चीज़ हुई है।
तो तुम लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो ये फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज में हो रहा है ऐसा फेस्ट। पहले ये स्पोर्ट्स ग्राउंड ही नहीं था एक्चुअली में जब मैं आया था यहाँ पे 2 साल पहले, और ये तब बना, फिर अभी यहाँ पे फेस्ट भी हो रहा है पहली बार। तो क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा होता फेस्ट में, कैसा लगा? अच्छा लगा सर, सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है यहाँ पे, और जैसे इवेंट्स हो रहे हैं देखने में बहुत मजा आ रहा है। जी आर एम सी जिंदाबाद, जी आर एम सी जिंदाबाद, जी आर एम सी जिंदाबाद, जी आर एम सी जिंदाबाद। हाँ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 दिन कैसे निकले पता नहीं चला, और बिल्कुल ऐसा लगा कि लाइक एक अलग दुनिया में आ गए हम लोग। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, और अपन सबको पता चला कि अपनी क्या क्या मतलब अपन भी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, कर कह सकता हो ही गया कंप्लीट और बहुत अच्छी तरीके से। Yeah.